संभल में भ्रष्ट सिलवेंजा अस्पताल में तैनात डॉक्टर शम्स तबरेज ने प्रतिबंधित दवाई लगाकर एक मासूम की जान ले ली। साथ ही बिना किसी डिग्री के अस्पताल का संचालन कर रही हाजी सरार ने चौधरी सराय पुलिस चौकी पर पत्रकारों का इलाज करने से साफ मना किया था। कहा था, हम सब अस्पताल वाले अब किसी भी पत्रकार का इलाज नहीं करेंगे। दिखाते हैं पूरी खबर। बता दें, चुनौती से पत्रकारों में काफी रोष है। पत्रकारों ने कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव को सदर कोतवाली में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की मौजूदगी में सौंपा। कहा, जो बच्चे को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबंधित दवा दी गई है, जिसके बच्चे के मुंह में लगे पाइप द्वारा खून आया और बच्चे की मौत हो गई। सर, जैसे कि जनपद संभल में 10 पंजीकृत लैब चल रही हैं, जिसको मनोज नोडल अधिकारी मनोज द्वारा बताया गया है कि संभल में 10 पंजीकृत लैब हैं। इसके बावजूद भी अधिकांश यहां पर लैबें देखने को मिलती हैं, गली गली चौराहे चौराहे पर लैबें संचालित की जा रही हैं। क्या कहना है उसमें आपका? अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है और जिसमें आपने ये बिंदु उठाया है, जो नोडल अधिकारी महोदय हैं उनसे जो पंजीकृत लैब है सभी की, पूरे जनपद की पंजीकृत लैब की सूची मांगी जाएगी। और ये जो उनका कहना है कि 10 या 15 जो भी आप बता रहे हैं कि पंजीकृत लैब है उनके द्वारा कहा जा रहा है, तो अन्य जो लैब है उनकी जांच करा करके मेरे द्वारा स्वयं अपने स्तर से जांच कराई जाएगी कि कोई अन्य लैब इस सूची के बाहर तो नहीं, अगर है तो उनकी कार्रवाई के लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। सर, जैसे कि आज दिन अक्सर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ, डॉक्टरों की लापरवाही बरती जा रही है और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर मर भी रहे हैं, इस संबंध में आपको आज ज्ञापन भी दिया गया है, क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? हमें जो अभी ज्ञापन दिया गया है वो आए दिन होने वाली मृत्यु के संबंध में नहीं दिया गया है, और आए दिन मृत्यु और डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन की कोई जानकारी हमको है नहीं। किसी और तहसील की बात हो तो मैं नहीं कह सकता। और अभी जो मुझे ज्ञापन दिया गया है, ये दो दिन पूर्व जो है एक बच्चे की सिलवेंजा हॉस्पिटल से संबद्ध एक चाइल्ड केयर यूनिट जो यहाँ पर नई स्थापित की गई है उसमें हुई मृत्यु के संबंध में है, और उसकी आप लोगों ने मजिस्ट्रेट से जाँच कराए जाने की मांग किया है और उसकी हम सक्षम मजिस्ट्रेट से जांच कराएंगे। पूरे प्रकरण की जो भी इसकी रहेगी उसकी जांच करा कर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय और उसके मुसाफ प्रेषित किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें इसके अलावा इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अब यहाँ पर पत्रकारों को न इलाज मिलेगा ना ही उनको किसी तरह की सुविधा दी जाएगी। देखिए, इस टाइम की अगर कोई गैर जिम्मेदाराना बातचीत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर साक्ष्य है तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, और जो भी कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटल खोला है, दुकान खोला है, तो किसी को भी मना नहीं कर सकता कि उसको उपचार मिलेगा, वो उसकी इच्छा पे नहीं है। जो भी व्यक्ति जो है उनका उचित प्रतिकर मूल्य देकर के सेवा लेना चाहता है, सबको सेवा देना बाध्यकारी है और बराबर सबको समानता के साथ सेवा देना बाध्यकारी है।